नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज के इस वीडियो में हम लोग आरसीएम ऐप में आए हुए एक न्यू अपडेट के बारे में जानेंगे। अगर आप आरसीएम ऐप पर आकर थ्री डॉट पर क्लिक करके मेरे अकाउंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ अपलोड योर आधार का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आप लोग अभी देखते होंगे जितना भी न्यू आईडी लगता है सब आधार कार्ड के माध्यम से ही हो रहा है, और कंपनी ने पुराने आईडी वालों को भी अपना वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा है, इसलिए अपलोड करना ज़रूरी है। यह कब तक करना होगा ऐसा कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग इसका वेरिफिकेशन कर ले, क्योंकि हो सकता है अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका इनकम भी रुक सकता है। इस वीडियो में आधार कार्ड अपलोड कैसे करें इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपलोड योर आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर भरना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड स्कैन करना है। इसके लिए स्कैन फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड के QR कोड को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल कुछ कुछ फिलअप कर देना है। सारा डिटेल भर लेने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन आएगा अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ का, वहाँ पर आपको क्लिक करके अपना आधार कार्ड ऐड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड कर देने के बाद आपको अब नीचे में अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार डिटेल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आरसीएम।